अगर उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है तो कांग्रेस की सरकार में कौन सा राज चल रहा है? कितने रुपए लिए हैं जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं? मैं राजस्थान प्रदेश का प्रभारी हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जल्दी से, और मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। आपके यहाँ भरतपुर जिले में राजस्थान में एक महीना पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, साहिबा नाम की लड़की के साथ, जो मुस्लिम समाज की लड़की है, 19 साल की लड़की है, उसको घर से किडनैप करके ले जाते हैं और कुम्हेर के जंगल में रेप करने के बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है गैंगरेप के बाद, और चार आदमी उसमें मर्डर में प्रार्थना पत्र दिया जाता है और चार आदमियों में से एक आदमी को इंगित करती है पुलिस और तीन आदमियों को पैसा लेकर के निकाल दिया जाता है। क्या गहलोत सरकार में ऐसा होता है? दलितों के साथ कहीं घोड़ों पर बारात नहीं चढ़ने दी जाती? कहीं अभी जॉब मेल में हत्याकांड हुआ है, अभी राजमंड मंडी के अंदर 18 साल की लड़की दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कहीं थानागाजी कांड होता है, कहीं साहिबा कांड होता है। तो इस गहलोत सरकार में जो अपने आप को कांग्रेसी सरकार कहती है, जो दलित और मुसलमानों के ध्वज पर उनकी वोटों के दम पर चुन करके आती है, और उसी सरकार में यहाँ बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं, और ये कांग्रेस के लोग मोदी पर आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है, वहाँ अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के आकाओं से कि आपकी गहलोत की सरकार, कांग्रेसी सरकार राजस्थान प्रदेश के अंदर दलितों पर, पिछड़ों पर, असहायों पर, मुसलमानों पर, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो DSP है, वो अपराधियों के साथ खड़ा हुआ है, और वो यहाँ के मंत्री को भी मिसगाइड करता है कि नहीं, एक ही अपराधी था, तो क्या उन्होंने कितने रुपए लिए हैं जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं? क्या ये सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी रहेगी? तो हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि आपकी नाक के नीचे संभाग के अंदर, ये संभाग मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, यहाँ से एक लड़की किडनैप होती है और कुम्हेर के जंगलों में जाकर के गैंग रेप करके उसका मर्डर किया जाता है और चार आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और यहाँ की पुलिस पैसा लेकर के तीन अपराधियों को निकालती है। तो हम कहाँ जाएं? ये अपराधी लोग कहाँ जाएं? ये बेचारे प्रार्थी लोग हैं कहाँ जाएं? ये SP के पास गए, IG के पास गए, क्योंकि DSP इसमें खुद सम्मिलित है, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज़ को कि जब भी किसी अपराधी को निकाला जाता है तो पैसा लिया जाता है। तो पुलिस प्रशासन अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ है, इसलिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और मुस्लिम महासभा के लोग आज DM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है तो कांग्रेस की सरकार में कौन सा राज चल रहा है? क्या ये राज है कि दलितों पर बहन बेटे पर अत्याचार होगा? इस मांग को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं। तो आपसे हमारा निवेदन है, पत्रकार बंदियों से निवेदन है कि आप हमारी बात गहलोत सरकार तक पहुंचाएं, और हम बताना चाहते हैं अगर ये सरकार नहीं चेतेगी तो पूरे प्रदेश स्तर में इस सरकार को दलित और मुसलमानों के बीच में नंगा कर दिया जाएगा और इनकी पूरी बात बताई जाएगी। जब से कांग्रेस बनी है और इनके साथ में दलितों के, पिछड़ों के साथ में जो अत्याचार किए, जनता के सामने उजागर करेंगे। यही हमारी मांग है। के विरोध में मस्जिद शमशेर बहादुर से मुस्लिम महासभा भीम आर्मी द्वारा ये जुलूस निकाला गया है, क्योंकि पुलिस ने मिलकर चार आरोपियों को जो उस केस से निकाल दिया और एक आरोपी को मुख्य आरोपी बना कर दिया, उसको जेल में पहुंचा दिया। ये पीड़ित परिवार जो है अपने तौर पर IG साहब से भी मिला, SP साहब से भी मिला, मंत्री जी से भी मिला, लेकिन इन सबके मिलने के बावजूद पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला और पुलिस ने उन चार आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इसके विरोध में हमने जुलूस निकाला है। हम गहलोत सरकार से मांग करते हैं अगर ये इंसाफ नहीं मिला साहिबा को तो ये भीम आर्मी और मुस्लिम दूर करो।